निकालने कल आप लोगों को मैं लेक्चर दूंगी और आप लोगों को चीजें समझाऊंगी, तो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आना शुरू हो जाएगी। फिर आप लोग जब आप लोगों को केस स्टडी समझ आना शुरू हो जाएगा ना, टॉपिक के कार्डियोवैस्कुलर डिजीज क्या होती है, कौन से फूड देने चाहिए कौन से नहीं, फिर आप लोग आसानी से उसका डाइट प्लान बना सकते हो। ठीक है, डाइट प्लान किस किस बच्चे ने पहले बनाए हुए हैं? किसी ने भी नहीं बनाए? मैम अभी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है तो इतना डाइट प्लान पे नहीं अभी तक आए हम। अभी फर्स्ट सेमेस्टर में? अच्छा, ओके। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने फूड एंड मिल्क, फ्रूट एंड वेजिटेबल के आंसर निकाल लिए? कार्ब्स के कितने कितने आंसर निकले? 24, 45 एंड 15 आंसर निकले बच्चों आप लोगों के? एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम मेरी ना आपकी वॉइस सही नहीं आ रही थी, सिग्नल ड्रॉप हो गई थी, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी ना वहां तक कर लिया, उससे आगे मुझे एक्सचेंज वाली समझ नहीं आई, वॉइस बहुत कट रही थी। ओके, एक्सचेंज से आप लोगों ने ना फाइल नीट करके लिखनी है, मैंने पिक्चर सेंड की है उसकी, वैल्यू 12, 8, 8, 160, 15, 60 दी हुई है ना, आपने टेबल इसी तरह सारा बनाना है स्टेन का। फिर आपने माय पैरामीट्स देखना है, फूड पैरामीट्स देखना है कि कौन सा किसकी सर्विस कितनी कितनी है। लाइक फॉर एग्जांपल मिल्क की लिखी है 2 to 3, ठीक है, उसके बाद मेड की भी 2 to 3 लिखी है, फ्रूट की क्या अकाउंट कितनी लिखी है वो देख लो आप, उसमें से कोई भी आप सर्विस उठा सकते हो। फिर मैंने एक्सचेंज लिस्ट बनाई है, मैंने एक्सचेंज लिस्ट पहले मिल्क की निकाल ली है, 2 लिख लिया है मैंने उसकी सर्विस, फिर उसके बाद ये वैल्यूज लिखी थी 12, 8 and 160, फिर मैंने इससे मल्टीप्लाई करती रही हूँ, इनके आंसर आ गया 24, 16, 16, 30, 20, ठीक। उसके बाद फ्रूट की आई है, मैंने 3 ले ली सर्विस, उसके बाद 15 को डिवाइड किया 3 से 45 आ गया, फिर 180 मल्टीप्लाई किया, सॉरी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने वेजिटेबल के आंसर निकाला है, 15, 6, 45 आंसर आया। अब यहाँ इस स्टेज पे आके मैंने देखना है, क्योंकि हमने ब्रेड एंड मीट और फैट की खुद निकालनी है सर्विस, ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने इनको प्लस करना है, 25 + 45 + 15, ये भी मैं आपको वेजिटेबल्स की कितनी सर्विंग्स हैं? हाँ जी, वेजिटेबल्स की कितनी सर्विंग्स हैं? वेजिटेबल की मैंने लिखी है 3। माय पैरामीटर्स के अंदर जाके देखो बेटा, 3 to 5 है, आप जो मर्जी ले सकते हो, ठीक है। अब मैं 24 + 45 + 15 + 84 आ गया, 84 को मैंने माइनस करना है, जो कैरी डिस्ट्रीब्यूशन में मेरे पास आंसर आया था 162.5, माइनस 162 आंसर आया है 78, 78 डिवाइड बाय 15 क्या था, 15 इसकी सर्विस हम लोगों ने वैल्यूज लिखी हुई है। फिर आता है मेरे पास आता है 5, लाइक फॉर एग्जांपल 5.2 इसका आंसर आ रहा है, तो इसका मैं यहां पे लिखूंगी 6। तो ये समझ लगी आप लोगों को? तो अगर पॉसिबल है तो कैमरा आप उस कैलकुलेशन के ऊपर कर लें, ताकि बच्चों को पता चले आप किस तरह कर रही हो ना, ज्यादा इजी हो जाएगा अगर आपका कैमरा वो दिखा सके कैलकुलेशन को। तो कैलकुलेशन दिखाई दें कि आप किस तरह कर रही हैं। कैसे करूं? चलो मैं मोबाइल पर जरा ऑन कर लेती हूँ, फिर रुक क्या, मैं मोबाइल पर ऑन कर लेती हूँ। सही तरीके से ठीक हो गया। देखिए, पहले मैंने आप लोगों को बताया हमने बी ई निकालना है, आई बी डॉट भी निकालना है, फ्लुएंट टैग निकालना है, आई बी डॉट
आइडिया बॉडी वेट निकालना है, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को हिस्ट्री बताई थी, इसकी एज क्या है, इसका वेट क्या है, इसकी हाइट क्या है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैंने आपको ये हाइट निकालना बताया था कि इस मेथड से इसकी हाइट निकालनी 66 मल्टीप्लाई किससे करना है 2.54 से, फिर इसका आंसर आ जाएगा। फिर हम मैंने ये सारा फार्मूला लिखा है, ये सारा फार्मूला लिखा हुआ मैंने। फिर उसके बाद मैंने इस फार्मूले के अंदर उसकी हाइट एज वेट सारा कुछ लिख दिया था। फिर इसका आंसर आ गया था, इसका आंसर कहाँ पे गया, यहाँ ये इसका आंसर 167.9 आ गया किलो कैलरी। मैंने माइनस 500 किया तो इसका आंसर आ गया 1180 किलो कैलरीज, ठीक हो गया। फिर कैलरी डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी तो काव मैंने इसकी आप लोगों को वैल्यू सेंड की हुई है ग्रुप में, आप लोगों ने वो देखी है, ठीक है। मैंने 55 ली से मैंने डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 1180 इक्वल टू 649 इसका आंसर आ गया। इसी तरह काफ फैर एंड प्रोटीन के आंसर मैंने निकाले हैं, ठीक है बच्चों, समझ लग रही है बच्चों आप लोगों को। अब इस तरह मैंने इसकी एक्सचेंज लिस्ट आप लोगों के सामने बनाई है जो मैं आप लोगों को बता रही थी, ठीक है। मैंने इसके देखे यहाँ पर, देखे मैंने इसका काब लिखा है, यहाँ पर मैंने इसके काब के आंसर लिखे हैं 24 45 15, इनको मैंने प्लस कर लिया, फिर इसका आंसर आया 84 माइनस 16, कौन सा आंसर था, ये कैलरी डिस्ट्रीब्यूशन वाला आंसर, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा, फिर इसका आंसर आया 78 को मैंने डिवाइड 15, कौन सा 15, ये वाला जो हमने इसकी एक्चुअल वैल्यू लिखी हुई है 15, फिर इसका डिवाइड किया, इसका आंसर आया माइनस 5.2, इसका क्या आंसर होगा 6, मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया है कि इस टाइम हमारी सर्विस इतनी होनी चाहिए उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग, उसके चेंजेस के अकॉर्डिंग, ठीक हो गया बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई भी मसला, सबको क्लियर है। अब इसके बाद मैंने ये अभी लास्ट वाली बात एक दफा दोबारा बता दें। देखें मैंने मिल्क फ्रूट और वेजिटेबल की चेन लिस्ट निकाल ली, सबके आंसर 24 45 15 आ गए, इनको मैंने प्लस किया, इसका आंसर आया 84 माइनस बाय 162, कौन सा आंसर था जो मैंने कैलरी डिस्ट्रीब्यूशन में निकाला हुआ था, या 78 आया, डिवाइड 15 किससे किया, जो 15 मेरे पास यहाँ पे लिखा होगा, ये 15 लिखा हुआ है ना, ये वाला जो स्टेन लिस्ट के अंदर मैंने आपको वैल्यूज लिखवाई है 15 03 01 80, इसे डिवाइड करके इसका आंसर आया 5.2, तो इसका यहाँ पे मैंने लिखा 6। अब मैंने आगे करने लगी हूँ कि आगे मैंने देखो, आगे 6 मल्टीप्लाई 15 इसका आंसर आता है, इसका आंसर क्या आया 90, इसका आंसर आया है 90, ठीक हो गया। अब 6 मल्टीप्लाई 3 कर लूं या 6 कर लूं, इसमें 6 कर लेती हूं क्योंकि प्रोटीन ज्यादा ना आ रही, मैंने 6 कर दिया, ठीक है। मैंने इसको 6 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 6, और यहां पर 6 और इसके बाद 6 मल्टीप्लाई 80 इक्वल टू 480, इसका आंसर 480 आया, ठीक हो गया। अब मैंने प्रोटीन के आंसर निकालने हैं, 16, 6 and 6, जो ब्रैकेट वाले वो मेरे आंसर है, ठीक है। 16 plus 6 plus 6 क्या आंसर आया मेरे पास, आया आंसर 28। इसी तरह मैं यहाँ पे प्रोटीन लिखूंगी, यहाँ पे इसका आंसर 28 आया, माइनस करूंगी कैलरी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे मेरे पास 44, इसका 44 का आंसर लिखूंगी, 44 लिखूंगी। अब मैं मोबाइल पर जाऊंगी, माइनस 44 क्या आंसर आया 16 को डिवाइड करूंगी किससे, 7 पहले हमने 15 से काब कर किया था, अब हम 7 से डिवाइड करके आंसर निकालूंगी, 16 डिवाइड बाय 7 क्या आंसर आया 2.2, तो 2 ही यहाँ पे लिख दूंगी मैं, इसका 2 आंसर आया प्रोटीन का, ठीक है। अब प्रोटीन यहाँ पर इसके काब नहीं है, यहाँ पर आगे क्या है 7, 2 multiply 7 14, और इसके बाद 2 multiply 6, 2 multiply 45, 90। अब मैंने अपने फैट डालना, तो मैंने फैट टोटल करूंगी, ठीक है, प्लस करूंगी 16 plus 6 plus and 6 plus, कितना आंसर आया 28,
यहाँ पे लिख लेती हूँ फैट वैल्यू, फैट 26 माइनस कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन में मेरे पास फैट कितना था 32.7 चलो 28 माइनस 33 क्या आंसर आया 5 ठीक है, या मैं क्या क्या लिख यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी 5 मल्टीप्लाई 5 क्या कितना आंसर आता है कुछ समझ लग रही है आप लोगों को, इसका आंसर आया मेरे पास 25 5 मल्टीप्लाई 45 225 जितने भी ब्रैकेट में है ना वो सारे मेरे आंसर हैं ठीक हो गया बच्चों। अब मैंने इसका फैट का आंसर निकालना है क्या इस फैट का, अब इन सबको इसका 90 इसका आया था बच्चों, अब इन सबको टोटल करो इन सबको इन सब के आंसर को जो बॉक्स में है ना इन सब के आंसर को टोटल करें प्लस करें, आप इसे कॉपी करो आप इसे पहले अंडरस्टैंड करो फिर खुद अपनी केस स्टडी बनाना फिर आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगी ठीक है बच्चों। अब मैं इन सबको प्लस करने लगी जो ब्रैकेट में है मेरे पास 24 प्लस 45 प्लस 15 प्लस 90 174 16 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 14 42 16 प्लस 6 प्लस 6 प्लस एंड 25 53 अब मैंने इन सब की एनर्जीज को करना है जो बॉक्स में लिखे हुए मैंने 320 प्लस 180 प्लस 45 प्लस 480 प्लस एंड 90 प्लस 225 प्लस इसका आंसर आता है 1334 हमारे पास कितनी पहले कैलोरीज इसके पास कितनी थी हमारे पास कैलोरी बी का आंसर क्या था 1170 अब 130 माइनस 1170 ये तो इतना ज्यादा आया है बच्चों क्योंकि इसका मतलब है कि मेरी एक्सचेंज लिस्ट अभी सही नहीं है, अभी मैं इसे दोबारा करूंगी 170 किलो कैलोरी का डिस्टेंस आया लेकिन मैंने 100 से नीचे जाना है 50 तक जाना है मैं नीचे, इसका आंसर ये सही नहीं आया, मैं दोबारा करूंगी क्या पता मेरा आंसर सही आ जाए। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी सर्विस कम करूंगी, यहाँ पे मैंने 2 लिखी सही है यहाँ पे मैं 2 कर दूंगी यहाँ पे भी कम कर दूंगी फिर ऑटोमेटिक सबके आंसर सही आना शुरू हो जाएंगे। अभी आप लोगों के सामने मैंने एक डेमो किया है कि इस तरह हम लोगों ने एक्सचेंज लिस्ट निकालनी होती है, मेरा किलो कैलोरीज क्या डिफरेंट आया 1340 मेरे एक्सचेंज लिस्ट की वैल्यू है और मेरे बी की वैल्यू क्या थी 1170 ठीक है। अब मेरा आंसर आया 170 किलो कैलोरीज, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, मैंने अब दोबारा करूंगी फिर मुझे सही आंसर निकलेगा ठीक है बच्चों, बार बार करने से पता चलता है। अब लाइक फॉर एग्जांपल 174 जो हमारे पास कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास वो जो है कितनी है इसकी काप की वैल्यू 162 अब इसका आंसर निकालते हैं 174 माइनस 162 दिस इज टू मच आंसर सही नहीं आया 42 प्रोटीन माइनस क्या है 44 भाई प्रोटीन अच्छी आ गई प्रोटीन का आंसर सही आता और जल्दी भी आ जाता माइनस 2 प्रोटीन सही आया इसका जो आप आंसर किसमें आया माइनस 2 में बिल्कुल सही है 53 माइनस इसका फैट तो क्या है इसका आंसर फैट को माइनस किया 32 से हमारे आंसर कौन सा सही नहीं आया बच्चों हमारा आंसर कौन हमारा काप का आंसर सही नहीं आया हमारा फैट का सही आंसर नहीं आया हमारी कैलोरीज का आंसर सही नहीं आया जब हम बार बार करेंगे हमारा आंसर सही आना शुरू हो जाएगा ठीक है बच्चों।
समझ लगी बच्चों आप लोगों को? अभी पता है मुझे अभी हर चीज आप लोगों को क्लियर नहीं होगी, टाइम लगेगा, आप लोगों को साथ साथ समझ आना शुरू हो जाएगी। मैं आप लोगों की सारी पिक्चर क्लियर करके सेंड कर देती हूँ, आप लोगों को जो चीज नहीं समझ लगी आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। अभी मेरा भी आंसर सही नहीं निकला, जब भी एक्सचेंज लिस्ट बनाती हूँ मुझे 2 या 3 बार बनानी पड़ती है, क्योंकि अभी हम इतने प्रोफेशनल नहीं हुए कि हम मिनट में निकाल लें, ठीक है। लेकिन हम बस बीए के अकॉर्डिंग में पता चलता है कि इसकी इतनी इतनी होनी चाहिए मेहनत करके, फिर एक्सचेंज लिस्ट बनाना आसान रहता है बहुत जल्दी, वो ज्यादा प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा दूसरा मेथड है। लेकिन अभी आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोगों को ये मेथड सिखा रही हूँ सिंपल वाला, ठीक हो गया? आप लोगों को क्या आंसर निकले, आप लोगों मेरे साथ कर रहे थे बच्चों? बच्चों आप लोग मेरे साथ कर रहे थे? यस मैम, पर हमारे तो आपके वाला ही आंसर आया। मेरे जैसे आंसर आया? आप लोगों को मेरे से आंसर आया बच्चों? जी मैम, हम आपके साथ साथ कह रहे थे ना। अब आप लोगों ने यही केस को सही आंसर निकाल कर दिखाना है मुझे, ठीक है? आपने दिखाना है कि मैडम हमारा 1180 माइनस बाय आना चाहिए 1170 या 60, तो कितना डिस्टेंस आया 10 का 20 का। लेकिन इतना मोस्टली 10 और 20 का आता नहीं है, ठीक है, लेकिन आ जाता है, लेकिन टाइम लगता है 2-3 बार करने से। अभी तक कोई बच्चा जिससे अभी तक कोई चीज समझ नहीं लगी हो, कोई भी स्टेप बाबा छोड़ोगे आप लोगों को आना शुरू हो जाएगा, एकदम से नहीं आएगा। मैम आप मल्टीप्लाई करने से पहले जब डिवाइड करती हैं वो वाला स्टेप तो समझ में नहीं आया कि डिवाइड किसको किसके साथ। कौन सा बेटा? जो ऑक्सीजन लिस्ट हुआ ना जब हम का फैरम प्रोटीन करते हैं। यस मैम, मैं बताती हूँ। आप ये वाला पार्ट पूछो जब हम सबको प्लस कर लेते हैं ना यहाँ तक। यस मैम, तब हम प्लस कर लेते ना इसका आंसर, लाइक फॉर एग्जांपल काप का 84 आया, माइनस इसका कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन में 162 था, ठीक है, फिर इसका आंसर 78 आया, 15 हमने वहां से लिया जो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई थी, जो हमने पहले टेबल में लिख ली थी सारी वैल्यू, ठीक है, 15 से डिवाइड करके वो आंसर आ जाएगा 55.2, तो 5.2 है तो इसका आंसर क्या होगा 6 यहाँ पे लिख दिया। ब्रेड एंड सीरियल्स मीट और फैट की हमने खुद निकालनी होती है, हमारी पैरामीटर्स में हमने मिल्क फ्रूट और वेजिटेबल की 3 वैल्यू देखनी होती है और 3 वैल्यू हमने खुद निकालनी होती है, ठीक हो गया? समझ लगी सारा? यस मैम। सारा ज़ैनब है, ठीक है मैम। फैट को आप लोगों ने डिवाइड नहीं किया। फैट को क्यों नहीं किया? किया बेटा, मैंने ये देखे हैं फैट के, क्योंकि फैट सा आंसर भी नहीं है, बस फैट तक खत्म हो गया है। ये फैट का मैंने आंसर निकाल लिया था ना, बस 25 45 इसका डिवाइड करके आंसर आ गया, इससे 5 से मल्टीप्लाई किया है ना मैंने, क्योंकि 5 से ज्यादा कोई भी नहीं है। 25 कैसे निकाला आपने, एक दफा दोबारा बता दें किधर से। 25 5 मल्टीप्लाई 5 क्या आंसर आता है 25, ये देखें। नहीं वो जो सर्विंग्स का नंबर 5 आपने निकाला था जिस तरह, वो वाली कैलकुलेशन दिखा दें। ये प्रोटीन को मैंने प्लस किया 16 6 6 14, क्या आंसर आया इन सबका? यहाँ पे फैट भी 28 आता है, इन सबको प्लस किया क्या आंसर आएगा 28 माइनस 32 है, फिर आंसर आया 5, तो मैंने यहाँ 5 लिख लिया, ठीक है बेटा। बार बार करोगे ना आप लोग, आज बैठ कर 3 बार करना, जिसकी जो मिस्टेक है मुझे शेयर करना, मैम हमारी पिक्चर में ये मिस्टेक आई सही कर दें, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी इजी होके, ठीक है बेटा। यहाँ से मिस्टेक हो रही है, यहाँ से आंसर सही निकालें, फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि आप लोग कहोगे मैम हमारी कैली सेम आई है, तो इसका मतलब है हमारा ये चेंज बिल्कुल सही बनने में का। जी बेटा, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, जब कोई मेहनत करने के लिए कोई चीज नहीं बची, इसका मतलब है आपका आंसर आपके चेंज बिल्कुल सही बनी है, फिर इसके अकॉर्डिंग आप लोग डाइट प्लान बनाओगे। आपको सर्विस का पता करना है बस, इसके अंदर के मिल्क की 2 आ गई, 3 आ गई, डेली प्रोडक्ट की 6 आ गई, मीट की 2 आ गई, फैट की 5 आ गई, ठीक है। अब ये नहीं कहना कि फैट हमने ऑयली से देते रहना, नहीं बेटा, हम प्रोटीन या इसके अंदर कोई और चीजें वगैरह सीड्स वगैरह देखेंगे कि इसके फैट की सर्विस पूरी करनी है हमने, ठीक हो गया। मोस्टली बच्चे यही समझते हैं फैट बस ऑयल वगैरह या जो हमने खाना है खाने में देना है, बटर देना, ये सब कुछ देना है, नहीं। फैट जिन चीजों के अंदर प्रेजेंट है, आपको उनकी कैलोरीज के साथ साथ उनके न्यूट्रिएंट्स देखने होते हैं कि कितने कितने परसेंटेज चीजें प्रेजेंट है, परसेंटेज इसलिए हम लोग कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन में निकालते हैं। समझ लगी आप लोगों को? ठीक होगा बच्चों?
मैं आप लोगों को पिक्चर शेयर कर देती हूँ उसकी। कल हम लोग इसका बकायदा केस स्टडी स्टार्ट करेंगे। कल हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज पढ़ेंगे, फिर किडनी डिजीज पढ़ेंगे, फिर लिवर डिसऑर्डर पढ़ेंगे, फिर स्टमक डिस्टर्ब स्टमक इश्यूज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डायबिटीज पढ़ेंगे, हाइपरटेंशन पढ़ेंगे और COVID-19 पढ़ेंगे। फिर आप लोगों को एक एक केस स्टडी दूंगी। आप लोगों की मर्जी, आपने मेल का बनाना है मेल का बना लो, फीमेल का बनाना है फीमेल का बनाकर मुझे डाइट प्लान और साथ इसके सारे फार्मूले की वैल्यूज वगैरह बनाकर एक केस बनाकर सेंड किया करोगे। जिस तरह लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को केस दिखाया था अपना, ये वाला फॉर्म दिखाया था आप लोगों को, ये सारे फॉर्म है हॉस्पिटल के, ठीक है, इस तरह फिल करते हैं हम लोग और इस तरह हम लोग स्टेनलेस बनाते हैं। बच्चों ये देखें स्टेनलेस नीट एंड क्लीन है ना, अभी तो हमने रफ काम किया था, जब हमारे आंसर निकलते हैं ना हम यहाँ पे इस तरह नीट करके लिखते हैं और सारे डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख रहे होते हैं। और ये देखें 24 आवर रिकॉल में वो क्या खाते थे, इनका टेस्ट वगैरह क्या था। फिर उसके बाद इसके ऊपर मैं डाइट प्लान नहीं बनाया, मैं आपको डाइट प्लान वाली पिक्चर भी शेयर कर दूंगी कि डाइट प्लान इस तरह बनाते हैं। हमारी बकायदा टीचर सारा काम चेक करती हैं, फिर उनके ऊपर टिक लगाते हैं, फिर यहाँ पे सिग्नेचर करती हैं कि बच्चों ने कर लिया ये सारा कुछ था, मतलब कि 2019 के अंदर ये काम करते थे। आप लोगों को शेयर करने का मकसद यह है कि आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, जब आप लोग इंशाल्लाह 10th-9th सेमेस्टर में जाओगे या इंटर्नशिप करोगे आप लोगों को फॉर्म फिल करना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप लोग हर नई जगह पर जाते हो तो आपको नई से नई चीजें नजर आ रही होती है, नई से नई चीजें लोग आप लोगों को बता रहे होते हैं, लेकिन वेरी गुड बच्चा वही होता है जिसे पहले से हर चीज पता होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर टीचर की हर चीज सीखी है, हर टीचर से सीखा है कि अच्छा ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसे ऐसे भी करना है। और अपनी लॉग बुक्स वगैरह रजिस्टर वगैरह बना के रख लेती हूँ, इस तरह की लॉग बुक बना के रख लेती हूँ जिसके अंदर मुझे पता चलता रहे कि मैंने ये चीज़ बनाई है, ये चीज़ मेरे लिए ऐसी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे सोर्सेज आराम से पता चल जाते हैं कि सोर्सेज ये हैं और इसके इसके आरडी इतने फीमेल के लिए इतने जरूरी हैं, सबके लिए इतने जरूरी हैं, सबके आरडी आसानी से पता चल जाते हैं, ठीक हो गया। आप लोग भी इस तरह की लॉग बुक बना के अपने पास रख लिया करें। मैम मैंने बनाई थी जैसे आपने बनाई है, लेकिन आपने मिनरल्स वाले आरडीए की पिक्चर सेंड नहीं की थी, वो भी मैं सारी सेंड कर दिखा, मैंने आप लोगों को हाफ सेंड किया था कि मेरा मतलब था कि आप भी आप लोग हाफ काम कर लो, हाफ बाद में सेंड करूंगी बेटा, मैं कर दूंगी। मैंने आयोडीन का लिखा हुआ है, हेयर लूज के अंदर कौन सी डेफिशिएंसी होती है और इसके कौन सी वीकनेस वगैरह के इश्यूज होते हैं, आप लोगों को देखें क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीजेस, आईज के अंदर कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं। हमारी टीचर्स हमें इस तरह करवाती थी, हमें पता होता ये डेफिशिएंसी की ये डेफिशिएंसी और ये इशू है और इसके मतलब डेफिशिएंसी आ गई और इसके अंदर ये कमी है, विटामिन ए की कमी है, दांतों में गम्स के अंदर जो ब्लीडिंग वगैरह हो रही है वो इश्यूज वगैरह, हेयर लूज क्यों है, डेफिशिएंसी कौन सी हुई है, हेयर रफ क्यों हो रहा है, माउथ के अंदर टेस्ट क्यों चेंज हो रहा है, पेन क्यों हो रही है टन के अंदर, ये सारे बेटा देखें कितना नीट एंड क्लीन आराम से पकड़ा, बैग में डाल ली रख ली, आराम से देख लिया जल्दी से। आप लोगों को दूसरे वाले अपनी लॉग बुक भी दिखाऊंगी जिसके अंदर मैं सप्लीमेंट नेम्स वगैरह लिखती हूँ, मेडिसिन के नेम वगैरह लिखती हूँ। हमें हर चीज आनी चाहिए, हर चीज, ठीक है, क्योंकि हमने हर डिजीज पढ़ी होती है। हम एमबीबीएस वालों का मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हम लोगों को ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। माइंड क्लियर हुआ आप लोगों का? मैम आप इसकी भी सारी पिक्चर सेंड कर दीजिएगा। ओके बच्चों मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है। आप लोग अच्छे से नीट एंड क्लीन बना के रखिएगा, फिर कल को जब आप लोगों को कहूंगे ना, जब आप लोगों का लास्ट डे होगा, मैं कहूंगा मुझे प्यारी सी वीडियोस बना के दें जो आप लोगों ने नीट काम किया हुआ है, जिसकी सबसे अच्छी बच्चों वीडियो हो गई है उसे मैं मतलब के अच्छे हाईएस्ट नंबर भी दूंगी, फिर उसके बाद उसका वाइवा भी लूंगी, फिर उसके बाद अपने सोशल मीडिया पे अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पेज के ऊपर अपने व्हाट्सएप अकाउंट के ऊपर स्टेटस लगाऊंगी इंशाल्लाह। और मेरे टीचर्स वगैरह भी देखते हैं, कुलीग भी देखते हैं, स्टूडेंट्स भी देखते हैं, फिर पूछते हैं ये बच्ची कौन है और ये सारा कुछ कैसे करवाया है सब कुछ, ठीक है बच्चों। हम लोगों ने यूनिक बनना है इंशाल्लाह, यूनिक कैसे बन सकते हैं, हम लोगों को कुछ यूनिक आएगा तो हम लोग यूनिक बनेंगे ना। हम मेरी हमेशा लाइफ में यही कोशिश रहती है मैं कुछ डिफरेंट करूँ, अपने आइडियाज में तब दूसरों के साथ शेयर करती हूँ जब लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं, वैसे मैं शेयर नहीं करती। लाइक फॉर एग्जाम्पल वेडनेसडे को एक लाइव सेशन कर रही हूँ अपने पेज के ऊपर, ऑर्डर ऑफ डाइट क्या होती है, किसके थ्रू हम लोगों को डाइट करनी चाहिए, हमारा ऑर्डर क्या है, हमें डिजीज क्या है, हमारी डाइट क्या है, हमें ये लोगों को नहीं पता, लोगों को ये अवेयरनेस करने के लिए फ्री करवाऊंगी। आप लोग भी आ जाना लाइव सेशन में सुनने के लिए, जो चीज पूछनी है आप वो भी पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए हम लोग अपना ख्याल रखें, मेरी क्लिनिक का टाइम स्टार्ट होने लगा है, और कोई और बात पूछनी हो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।